मेरी मम्मी देखेगी यार, एक शरारे मतलब। ओके क्या क्यों आंटी को पता नहीं है तू पीता है? आंटी को नहीं पता, आंटी को सब पता है भाई। भाई ये मत डालो ना यार। अच्छा अच्छा हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग, मैं बताता हूँ कि बहुत मजा आया आज भाई के साथ, हमने कार्यक्रम किया आज स्टैंड अप का। हाँ अरे भाई नहीं नहीं डाल रहा है, स्टैंड अप देख के आप लगता है शराब का नहीं पता है ये सब। नहीं नहीं पता क्या? नरगिस फाकरी, और उसके नीचे का कमेंट है वो तो बता। बुड्ढी तो अभी भी जिंदा है। ऐसे लेते क्या? ठीक है भाई, डन भाई। एक सेकंड सर, वेट 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 वेट। दोस्तों आज वीआईटी में परफॉर्म करा वेलोर, हैड एन अमेजिंग टाइम विद दीस गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, आई लव यू सर, सुपर, थैंक यू। दोस्तों ऐसा लग रहा है मेरी विदाई हो रही है इस कॉलेज से, एकदम मेरे भाई भाई छोड़ने आए। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों भाई। ठीक है ठीक है, वॉकआउट सुनाई ना दे जाए। चलो सर, चलो चलो, ठीक है भैया, ध्यान रखना घर का। ठीक है भैया, ध्यान रखना। दोस्तों आज वीआईटी परफॉर्म करा, जबरदस्त माहौल यार, मजा मचा दिया बच्चों ने, एकदम फुल फन फुल फन। पर अभी इसी नहीं है कि मैं सुबह दिल्ली से आया हूँ भाई, और अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 3 घंटा है चेन्नई एयरपोर्ट, और मेरी बोर्डिंग 2 घंटे 40 मिनट में शुरू होने वाली है, तो लेट्स होप वी मेक इट। दोस्तों नोनी अभी, नोनो तो खैर नल्ला ही अभी भी, पर नोनी अभी भी अपने ऑफिस से आई है। और मेरा एक सवाल है नोनी, पता चला पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है? हाँ बेचारी की आवाज़ ही नहीं निकल रही। सीट ही नहीं मिली, सीट ही नहीं मिली वो मेट्रो में, तुम्हारी जिंदगी इश्यूज अभी यही चल रहे। तो लड़कियों को तो मिल जाती है, नहीं गए वो जमाने। ये देखो जरा जरा से बच्चे कितने स्ट्रेस में बेचारे, कितनी मेहनत करनी पड़ी, डार्क सर्कल हो गया। तुम्हारे भी हो गया दिखाना, ये तो चलो इसका तो फिर भी काम है तुम्हारा। नोनू बड़ा स्ट्रेस है ना, पूरे महीने में एक एग्जाम देना होता है, टफ हो जाता है लाइफ में। सुबह उठ के घर वालों से पैसे लेके पढ़ने जाना होता है, फिर दोपहर को वापस आके दोपहर की नींद मार लो, शाम को फिर टीवी देख के फिर सो जाओ। वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ यू गाइस हैव। मेरी मम्मी ने ना उस दिन चने भिगा के रखे थे तो उबाले थे, तो मैंने बोला था दे दो मैं जा रही हूँ अब, ठीक है। तो इन्होंने पता क्या करा, वैसे मतलब इंडियन फूड में मसाला डलता ही है, पर आप सोचो एक इंसान मसाले की मतलब क्या डाल सकता है, मतलब क्या ही डाल, क्या इतना बुरा क्या ही डाल सकता है कि वो मतलब टेस्टी और मसालेदार बन जाए। स्प्राउट्स में गरम मसाला डाल दिया, गरम मसाला, मिर्ची का अचार डाल दिया। लाइट बंद थी, मैं खा रही थी, मैंने कहा मिर्ची तो थोड़ी लग रही है और स्वाद में कुछ अजीब आ रहा है, कल से अलग आ रहा है। फिर मेरे को ऐसी इतनी तेज मिर्ची लगी कि मुझे लाइट खोलनी पड़ गई, मैंने देखा मिर्ची का अचार पड़ा स्प्राउट में। इसलिए मांगे थे खाने के लिए कि क्या कहते हैं चने में कुछ नहीं होता, इन्होंने मिर्ची का अचार डाल दिया। इनके मन में था ना कि मेरे बच्चे सूखो सूखो क्यों खाएंगे। पंजीरी खा रहे थे, उसमें से हींग का स्वाद आ रहा। ऑमलेट में एक इंसान क्या डाल सकता है? क्या क्या कहा है मम्मी का, कहा है ऑमलेट में क्या मसाला डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? ऑमलेट में क्या मसाला डाल सकते हैं? उस दिन दही बूंदी में जितने मसाले थे सारे डाल दिए, सारे देगी मिर्च गरम मसाला सब डाल दिया। हाँ दही बूंदी में, और सब्जी लग रही थी वो पूरी। तो बता कहते हैं अभी खिचड़ी वाला, अभी ना भैया बाबू जयपुर गए हुए थे, तो चार लोगों के हिसाब से कितनी खिचड़ी बनेगी? 2 प्लेट बन जाएगी, 2.5-3 प्लेट बन जाएगी। डब्बे में सीधी बात सुनो, डब्बे की बात सुनो, डब्बे में खिचड़ी। तो हमने ना उस दिन रात को कुछ खाया नहीं, हमने ऐसे बाहर से खाते थे, पापा ने खाई थी खिचड़ी रात को और इन्होंने खाई थी। अगले दिन मैं पापा के साथ दुकान पे था, मम्मी ने इसके साथ खिचड़ी भी खाई, 2 बड़े बड़े डब्बों में पूरी भर के। मैंने मम्मी को बोला भी इतनी खा लेंगे तो ये वाला डब्बा, ये बड़ा बड़ा डब्बा, इसे हाथ ऐसे पूरी भरी हुई थी। हाँ खिचड़ी डालते हो ना तो वो 2 डब्बे प्लेट भी दी थी उन्होंने साथ में, प्लेट में डाली तो 4 बार आई खिचड़ी। पापा में जबरदस्ती लगे पड़े खत्म हो, नहीं तो आज रात को कुछ और नहीं बनेगा। हमने फोन करके पूछ रहे थे, फोन करके ना बोला कि क्या कहते हैं कि मम्मी इतनी खिचड़ी क्यों दी है ये, और उन्होंने बोला मम्मी मेरे को गड़ा के बोल रही है जब मैं आई तो ये कहती है जान तक जाती है बनाने में, इन हराम खोरों के नखरे ही नहीं खत्म होते। पापा पापा क्या बोले फिर? पापा हंसते थे और क्या कहे। पापा ने बोला खिचड़ी बनाने में लगता ही है। क्या कह रहे, खिचड़ी बनाने में लगता ही क्या? ए पाब्लो
आजा इधर आ, कम कम, ये कल से ही खा के बैठा हुआ है ना। अरे भाई तेरे पता नहीं है क्या क्या बन रहा, तू क्या खा रहा है? मम्मी बताओ तो एक बार, कहाँ हो? इधर आओ बताओ तो, इधर इधर आओ तो बताओ, इधर बताओ। जो भी चीज फायदे की, जीरा हींग ये सब दाल वाल में हर चीज मना करेंगे। क्या कह रही है? क्या क्या सब कुछ मना क्यों करते हो? मैं कह रही सही जगह डालो ना उसमें ऑमलेट में जीरा हमारे लिए तो भाई ऐसा बनता था ना, छोले भटूरे अचार पापड़ बनारस वाला आलू का पापड़ सब बाहर से पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते थे जो रिश्तेदार आते थे। अब तो मम्मी यही सुना रही थी कि ये कम से कम मिल तो रहा है। रात को मम्मी ने ना आलू बनाए होंगे तो पापा ने तो खा लिए थे, दोपहर को हम लोगों ने नहीं खाए थे तो रात को उनको फिर से खाने पड़ गए। तो कह रहे मैं बासी आलू भी खाऊंगा, तो मम्मी खुद बासी खा के बड़े हुए, बासी खा खा के पले बड़े, अब याद आ रहा है बासी नहीं खाऊंगा। ये कल से पकड़ के बैठा है, पता है बॉल क्या है? बचपन में हम लोग कहीं, सुन तो, बचपन में हम लोग को मम्मी लोग कहीं लेके जाती थी और हम लोग जाके वहाँ पे मांग लेते थे खाना, तो मम्मी लोग को गुस्सा आता था, मारती थी ना। आंख तुम आंखों की शर्म रखा करो तुम। वैसे ही गौरव करते हैं आजकल मेरे साथ। क्या? हर जब भी यहाँ पे रहता है, टूर नहीं कर रहा होता है, घर पे रहता है, तो कुछ ना कुछ बहाना बना के, खट्टर अगर रहता है तो खट्टर की मम्मी के यहाँ जाके खाना खा कर आता है। तो अच्छा खाना, गर्म खाना मिलता है। मैं तो इधर गया था गाजियाबाद अपना वही एडिट के लिए, आज मैंने आंटी आ रहा हूँ, मैंने तो खट्टर फोन नहीं उठाया, फिर मैंने आंटी को फोन कर दिया, कहाँ है तू? मैंने कहा आंटी बस 10 मिनट, आ जा खाना ही खा ले। आंटी वो तो मैं और आके मुझे बोल रहे श्रेया क्या खाना, गरम खाना मिलता है वहाँ पे, है दो रोटी गरम घी में एकदम चपोड़ के, और इतनी टेस्टी आंटी खड़ी बनाती हैं, दाल बनाती हैं और आलू गोभी की सब्जी, 3 व्यंजन पड़े, 2 अचार तरीके के सामने, मेरी पूरी बॉडी तृप्त हो गई पता खा के, और फिर रस मलाई भी पूरा, एक ऐसा लग कम्प्लीट मील खाया बड़े दिनों बाद। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बेइज्जती करा के आ गए ना तुम मेरी आंटी के सामने। आंटी सोचती है, मैंने तो बोला आंटी को, आंटी देखो हमारे भी बनता है, अच्छा बनता है, पर इतना अच्छा नहीं। आहा वो शो, मेरा शो आज पता है बहुत ही रिच लोगों का घर है, वो वाला बनाओ वीडियो नहीं बनाता, जैसे वो नहीं शेफ नहीं बनाता, आई एम अ बिलियनेयर शेफ, आई एम अ बिलियनेयर कॉमेडियन। बिलियनेयर तो नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, आई डोंट नो। आजकल आता है मुझे भी इंस्टाग्राम पे, आई कुक फॉर बिलियनेयर्स, इट्स अ आई थिंक एक लड़की थी वो शायद ईशा अंबानी के घर में बनाती थी, तो अभी मैंने करे थे 2-3 इवेंट्स करे नहीं ऐसे प्राइवेट वाले, मजा आता भाई हॉल में, भाई उनके हॉल देख के लगता है भाई ये है क्या। किसका नाम नहीं बता सकता। हाँ नहीं बता सकता, पर किसका कोई तो थे सुपर रिच, तो मैंने वहां जोक भी वही सब मारे, उनके सेकंड होम इतना बड़ा था पता है श्रेया जी, जितना लोगों की फर्स्ट सोसाइटी होती है, बहुत बड़ा था पता है बहुत, तो मैंने वही जोक किया वहां पे, वही सब जोक मारे, मैं भाई असली 70 लोग का स्टाफ था पता है वहां, सिर्फ सेकंड होम मेंटेन करने के लिए, तो मैंने तो ये जो बराबर भाई असली मजे तो यहाँ पे स्टाफ के हैं, जैसे ही ये लोग सेकंड होम में महीने भर के लिए बाबूजी आते हैं, सब स्टाफ ऐसे, जैसे ही बाबूजी गए चलो स्विमिंग पूल में राम नरेश, चलो ए कमला लगा हुक्का, असली मजा तो भाई स्टाफ मार रहा है बाबा, बट ह्यूज मनी मैन, यू विल नॉट इवन रियलाइज, 2 रुपए की पुड़िया बेच के कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है यार, दोनों तो महंगी होगी होगी। दोस्तों आज डेविल सर्किट के लिए निकले हैं, श्रेया भी आने वाली थी जो कि नहीं आई है, हमारे ट्रेनर साहब आए हैं साथ में, वो जा रहे हैं। सर नमस्कार। मैडम कहाँ पे? मैडम नहीं आ रही सर, उनकी तबीयत सही नहीं थी। चलिए सर आप तैयार हैं? हैं तैयार हैं आप? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, उसमें क्या बात है सर। संडे है, छुट्टी मनाने जा रहे हैं और क्या। अरे ये तो व्लॉग ही चालू हो गया दोस्तों, डेविल सर्किट के योद्धा इधर आ चुके हैं, फ्री का पब्लिक, फ्री का ऐड चल रहा है डेविल सर्किट का, कोई मतलब ही नहीं है, निकल दौड़ेगा ना, जो तू स्क्वाड का टैग करता ना मेरे को आर्मी तरह चेक करूंगा सब, ठीक है? कितने जोश में, नोनू आया सब ज्यादा तैयार होकर, नोनू कह रहे देख रहे कोरियन की तरह तैयार होकर निकलता है घर से, भाई के लिए ऐसे अटक जाएंगे क्या कर रखा है। अच्छा ये एक रनिंग इवेंट में आने का ये क्या तरीका है, ये कौन सा तरीका है, ऐसे बांध ले इसको, बांध ले समझ गया ना, ज्यादा हीरो मत बन, सब कुछ रख के आओ तुम पहले जाकर के गाड़ी में, रनिंग करते हुए फटाफट जा, जल्दी जा भाई वार्म अप करके,
निकले पेट कहाँ से आ रहा है ये? हमारा पेट भाई। हाँ? कर भाई। 22 साल का 22 टाइम बेस्ट टाइम निकला है 22 मिनट। नोनो तू कितने में मारेगा? 22 मिनट। वो सारी मिनट तो कभी नहीं मारेगा। सर आप हम कर लेंगे सर 40-40 में कर लेंगे। ये कहाँ आ गए नोनो? मोटरसाइकिल के साथ में मजाक थोड़ी है। 25 तो शावर नोनी ही ना तो भाई आजा आजा जल्दी आजा फोटो खींचा भाई वहां से आइए बहुत शानदार दौड़ रहे हो आजा कोई बात मेरे को नहीं चलो शाबाश रन रावा 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 शाबाश शाबाश जा भाग जा भाग जा देख के अरे भाई होने वाला था ना फिर से नहीं होगा अरे कर दिया था जाओ नहीं तुम जाओ गो नहीं एक लास्ट टाइम मारो फिर चलते हैं फार साइड से ना भाई माने जा रहे हैं कर दो ये जाओ डेविल सेट कर करने आए थे घर पे जाके बताना अभी मम्मी बोलेगी और जाओ और मरो जाके घर में सोता हूँ तो दिक्कत चला गया तो दिक्कत प्रतीक तो ऐसे लग रहा है सर प्रतीक लग रहा है वो नहीं था माल हो ओके गाइस सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेस व्लॉग आई होप यू लाइक्ड इट डेविल सर्किट का सीन ये हुआ कि मैं और नोनू पूरा नहीं कर पाए क्योंकि नोनू को चोट लग गई थी फिर मैं उसे लेकर डॉक्टर के चला गया था फिर जो भी ठीक है बाकी चार लोगों ने पूरा कर दिया पर हमें सुनने में आया निखिल भाई ने जो हमें बताया हाँ भैया मैंने कर दिया फिर बाद में जब मम्मा ने पूछा तेरे कपड़ों से लग तो नहीं रहा कि तूने करा कर भैया वो मैं 2-3 में साइड से निकल गया तुम तो वैसे वाला हंसी मजाक कर रहा और अगले साल भाई ढंग से करेंगे सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेस व्लॉग आई होप यू लाइक द व्लॉग सब्सक्राइब टू द चैनल नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून